हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिसेस रेनू बहुरा, एसोसिएट प्रोफेसर जूलॉजी, गवर्नमेंट एमएस कॉलेज बीकानेर। मेरी आज की टॉपिक है कोरल रीफ। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि कोरल रीफ क्या होती है। कोरल्स तो हम पहले भी समझ चुके हैं, सिलेंट्रेट्स होते हैं। द कोरल कॉलोनीज ग्रो कंटिन्यूसली इन साइज by budding of polyps and often form extensive masses known as coral reefs. Coral colonies budding के जो polyp के अंदर budding होती है उससे बहुत grow कर जाते हैं और बहुत बड़ा large structure बना देते हैं या संरचना बना देते हैं। ये संरचना कहलाती है coral reef. Reef is a chain of rocks at or near the surface of water forming a bank, thus reducing the exposed surface of water. रीफ क्या है? एक रॉक या पत्थर के समान जो है एक चेन पाई जाती है जो वाटर बॉडी के बिल्कुल किनारे पर या समुद्र के किनारे पर पाई जाती है, और इसका समुद्र का किनारा या समुद्र की जो स्पेस है वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है, रिड्यूस होती चली जाती है. रीफ बिल्डर्स आर जनरली कोरल एनिमल्स दैट फॉर्म रीफ्स. रीफ बिल्डर्स कौन है? रीफ कौन बनाता है? कोरल एनिमल्स रीफ को बनाते हैं. वॉगेन 1917 के अंदर उसने ये डिफाइन किया था कि कोरल रीफ क्या है. ए कोरल रीफ इज रिच और माउंड ऑफ लाइम स्टोन, द अपर सरफेस ऑफ विच इज नियर द सरफेस ऑफ द सी एंड विच इज फॉर्म्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बाय द एक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स चीफली कोरल्स. वॉगेन ने इसको परिभाषा जो दी थी वो इस प्रकार है कि कोरल रीफ्स क्या है, रिच है और एक रिच है या माउंट है लाइम स्टोन का, स्ट्रक्चर है लाइम स्टोन का जिसकी अपर सरफेस, ऊपर की जो सरफेस है वो समुद्र के बिल्कुल सरफेस के पास में होती है, और ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है पूरा स्ट्रक्चर, और ये कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रीट होता है या इसको जो ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं वो कोरल्स होते हैं सिलेंट्रेटा के. इन द फॉर्मेशन ऑफ कोरल रीफ कैल्सिफाइड एल सायोनेरियंस लाइक मिलीपोरा, हेलियोपोरा, ट्यूबीपोरा ऑल्सो टेक पार्ट. अब कोरल रीफ के फॉर्मेशन के अंदर कैल्सिफाइड एल सायोनेरियंस ऑर्गेनिज्म जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे एग्जाम्पल है मिलीपोरा, हेलियोपोरा, ट्यूबीपोरा और बहुत सारे दूसरे प्राणी भी. कोरल रीफ आइलैंड्स आर फाउंड इन मालदीव आइलैंड्स ऑफ द इंडियन ओशन. कोरल रीफ जो है आइलैंड जनरली वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे आइलैंड है, जैसे मालदीव का आइलैंड है इंडियन ओशन में, वेक आइलैंड है, मार्शल आइलैंड्स है, फिजी आइलैंड्स है पैसिफिक ओशन के, ग्रेट बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया का, और बहोइमा आइलैंड है जो इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं. अब इस डायग्राम से पता लग रहा है कि आइलैंड है, उसके पास में समुद्र है, और समुद्र का जो किनारा है वहाँ पर ये कोरल रीफ प्रेजेंट होते हैं. अब है प्रकार कोरल रीफ के. कोरल रीफ तीन प्रकार के होते हैं, फ्रिंजिंग रीफ्स, बैरियर रीफ और एटॉल्स. फ्रिंजिंग रीफ पहले करेंगे. इट इज़ ए रिच ऑफ कोरल फॉर्म्ड अप फ्रॉम द सी बॉटम. ये सी बॉटम से बनते हैं और रिच होते हैं कोरल्स. दे अकर वेरी नियर टू द शोर, समुद्र के बिल्कुल किनारे के पास में होते हैं, और 1/4 mile से लेकर के जो है एरिया होता है जहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं, और चैनल्स और पूल्स के बिल्कुल पास में होते हैं. ड्यू टू द रप्चर इन द रीफ्स चैनल्स एंड पूल्स आर इनहेबिटेड बाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्ड एनिमल्स. जब रीफ के अंदर जो ब्रेकेज हो जाती है या थोड़ा बहुत डैमेज हो जाता है तो ये पूल्स और चैनल्स कलर्ड एनिमल्स उसके अंदर रहने लग जाते हैं और दूसरे कोरल्स भी रहने लग जाते हैं. देर इज़ ऑल्सो फाउंड इन दीज आर ऑल्सो फाउंड इन मड, डेड कोरल्स एंड अदर मास ऑफ रॉकी फ्रेगमेंट्स. ये मड में भी, मिट्टी में भी पाए जाते हैं, डेड कोरल्स में भी मिलते हैं और रॉकी फ्रेगमेंट्स में भी पाए जाते हैं. अब इसके डायग्राम से पता लग रहा है कि समुद्र है, इधर लैंड है, और समुद्र के बिल्कुल किनारे पर एक रीफ पाई जाती है बिल्कुल
पतली सी, और उसी को जो है फ्रिंजिंग रीफ कहते हैं। नेक्स्ट है बैरियर रीफ। इट इज़ जस्ट लाइक फ्रिंजिंग रीफ, बट द मेन डिफरेंस इज़ दैट इन दिस रीफ वाइड चैनल इज़ प्रेजेंट। उसके अंदर तो क्या था, बहुत पतली सी जो है समुद्र के किनारे पर लेयर पाई जाती थी और उसको फ्रिंजिंग रीफ कहते हैं। इसके अंदर क्या है, थोड़ा ही डिफरेंस है कि जो रीफ जो होती है वो चौड़ी होती है, बहुत चौड़ी होती है। द मेन डिफरेंस इज़ दैट इन दिस रीफ वाइड चैनल इज़ प्रेजेंट, बहुत चौड़ा चैनल पाया जाता है इन विच लार्ज शिप कैन सेल, और उसके अंदर से जो है शिप गुजर सकता है, इतना चौड़ा होता है रीफ। द एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ रीफ इज़ द बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ऑस्ट्रेलिया का बैरियर रीफ। इट इज़ द लार्जेस्ट बैरियर रीफ एंड इज़ 1,350 माइल्स इन लेंथ। ये सबसे बड़ा बैरियर रीफ है और ये इसकी साइज़ है करीब, लंबाई है 1,350 माइल्स, और एंड इट इज़ अवे फ्रॉम द शोर ऑफ ऑस्ट्रेलिया अबाउट 25 to 90 माइल्स। और ये ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलिया के आइलैंड, क्योंकि ये आइलैंड है और मैंने कहा है कि आइलैंड के जो है पास में ही ये जनरली पाई जाती है, तो ऑस्ट्रेलिया से 25 से 90 माइल्स की दूरी पर ये प्रेजेंट होता है। द चैनल इज़ द रीफ इज़ अबाउट 10 to 25 फैदम्स डीप। जो चैनल रीफ का होता है वो 10 से 25 फैदम्स जो है उसकी गहराई होती है। समटाइम्स ए बैरियर रीफ सराउंड्स एन आइलैंड। कई बार क्या होता है, ये बैरियर रीफ जो है वो पूरे आइलैंड को सराउंड कर लेता है। कैप्टन कुक सेल्ड इन द कोरल रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया। कोरल रीफ जो ऑस्ट्रेलिया का है उसके अंदर कैप्टन कुक नामक था साइंटिस्ट जिसने शिप के अंदर ट्रैवल किया था, और 600 माइल्स ट्रैवल करने के बाद में उसकी शिप डिस्ट्रॉय हो गई थी। अब इस डायग्राम से आपको क्लियर है कि जमीन है उसके पास में ही, क्योंकि आइलैंड के पास में ही होता है, तो समुद्र सी की जो बॉडी है उसके बीच में देखिए आप एक बहुत बड़ा चैनल बन गया है, उसको बोलते हैं बैरियर रीफ। नेक्स्ट है एटॉल, तीसरा प्रकार है एटॉल। इट इज़ ए कोरल आइलैंड एंड कंसिस्ट ऑफ ए बेल्ट ऑफ कोरल रीफ। ये कोरल आइलैंड कहलाता है और एक बेल्ट जो है, बेल्ट टाइप बन जाता है, एक इस तरह से चैनल टाइप बन जाता है कोरल रीफ का, हैविंग ए सेंट्रल शैलो लेक कम्युनिकेटिंग विद द सी। एक बीच के अंदर सेंट्रल जो है लेक होती है जो कम्युनिकेट करती है समुद्र से। इट इज़ हॉर्स शू शेप्ड और सर्कुलर रीफ एनक्लोजिंग ए लेगून। हॉर्स शू शेप का होता है और घोड़े के पैर के समान जो पैर का आकार जो होता है उसके शेप का होता है, या फिर गोलाकार होता है, सर्कुलर होता है, और बीच में ये वाटर बॉडी को एनक्लोज करता है जिसको लेगून बोलते हैं। दीज लेगून्स आर 40 to 50 माइल्स अक्रॉस, और ये 40 से 50 माइल्स की दूरी पर होते हैं। सेवरल ऑफ सच एटॉल्स अकर इन साउथ पैसिफिक। ऐसे बहुत सारे एटॉल्स जो है वो साउथ पैसिफिक एरिया के अंदर, साउथ पैसिफिक रीजन जो है उसके अंदर पाए जाते हैं। इसका एग्जांपल देखिए, द एटॉल ऑफ बिकिने इज़ वेरी फेमस। जो बिकिने का एटॉल है वो बहुत फेमस है, विच हैज़ ए लैंड ऑफ 287 स्क्वायर माइल्स एंड ए शैलो लेक ऑफ 280 स्क्वायर माइल्स। इसके अंदर एक लैंड होती है 287 स्क्वायर माइल की, और एक शैलो लेक होती है बीच में 280 स्क्वायर माइल की। अनदर एटॉल विच इज़ वेरी फेमस ड्यू टू इट्स प्रोमिनेंस इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड। जो दूसरा फेमस एटॉल है वो है वर्ल्ड वॉर सेकेंड के अंदर बहुत फेमस था, जिसका नाम है एटॉल ऑफ टरावा। तो ये तो है इसके प्रकार। अब डायग्राम से आपको समझ में आ रहा है, एटॉल जो हॉर्स शू शेप का देखिए, या फिर सर्कुलर होगा, बीच में लेगून पाया जाएगा, और दोनों तरफ जो है तीन तरफ पैचेस होंगे कोरल रीफ के, और पास में है समुद्र, इसलिए इसको एटॉल बोलते हैं। अब है ग्रोथ ऑफ द कोरल
टू फॉर्म रीफ्स. द रेट ऑफ कोरल ग्रोथ इज ऑफ इम्पोर्टेंस एंड इज वेरिएबल. रेट जो है कोरल की, वो ग्रोथ की, कोरल ग्रोथ की जो रेट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और उसमें वेराइटी पाई जाती है. स्लो ग्रोइंग मासिव टाइप्स ग्रो 5 मिलीमीटर पर ईयर. जो बहुत धीरे ग्रो करते हैं कोरल्स और मासिव स्ट्रक्चर बनाते हैं धीरे धीरे, उनकी ग्रोथ इतनी होती है कि 5 मिलीमीटर एक साल में ग्रो करते हैं. एंड फास्ट ग्रोइंग फ्रॉम 10 to 20 centimeter पर ईयर. और जो फास्ट ग्रोइंग होते हैं वो 10 से लेकर के 20 सेंटीमीटर एक साल के अंदर बनाते हैं कोरल रीफ. वॉगन एस्टिमेटेड दैट ए रीफ ऑफ 50 मिलीमीटर डीप इज फॉर्म्ड इन 1000 to 7600 years. वॉगन ने एस्टिमेट करके बताया कि जो रीफ है वो यदि 50 मिलीमीटर 50 मिलीमीटर डीप है तो उसको बनाने के लिए 1000 to 7600 years लगते हैं. द एज ऑफ प्रेजेंट रीफ्स आर 10,000. जितने भी रीफ्स प्रेजेंट हैं उनकी अभी जो एज है, मतलब इतने सालों पहले बने थे, 10,000 to 30,000 years है. अब है नेक्स्ट रीफ फॉर्मेशन. सेवरल थ्योरीज आर पुट अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ रीफ फॉर्मेशन. बहुत सारी थ्योरीज जो है सामने आई है रीफ के फॉर्मेशन को लेकर के. कोरल्स विच आर रीफ बिल्डर्स डू नॉट ग्रो बिलो 150 feet एट द आउटसाइड. एंड इट इज़ ऑल्सो नोन दैट कोरल्स इन पास्ट एजेस आर ऑल्सो बिलोंगिंग टू सी शोर. कोरल जो रीफ बिल्डर्स हैं वो 150 feet से जो है कम ग्रो नहीं करते हैं, 150 feet से ज़्यादा ही ग्रो करते हैं. और ऐसे कोरल्स जो है पास्ट एज में देखें तो ये हमेशा सी शोर या समुद्र के किनारे पर ही पाए जाते हैं और यहाँ पर ही कोरल रीफ्स जो है ग्रो करते हैं. लेकिन वर्टिकल ग्रोथ कोरल रीफ की कैसे होती है उसको लेकर के बहुत सारी थ्योरीज है. जैसे फॉर एग्जांपल पहली थ्योरी है डार्विन डामा सब्सिडेंस थ्योरी, दूसरी है सैम्पर म्यूरे सॉल्यूशन थ्योरी, तीसरी है सबमर्ज्ड बैंक थ्योरी और चौथी है डेली ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी. अब देखिए इसके अंदर सबमर्ज्ड बैंक थ्योरी एंड डेली ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी आर वाइडली फेवर्ड बाय जूलॉजिस्ट अबाउट रीफ फॉर्मेशन. ये दो थ्योरी है सबमर्ज्ड बैंक थ्योरी और डेली ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी जो जूलॉजिस्ट रीफ फॉर्मेशन के लिए सबसे ज़्यादा फेवर करते हैं. डार्विन्स थ्योरी ऑफ सब्सिडेंस हैज़ ऑल्सो गेंड मच सपोर्ट. डार्विन की जो थ्योरी है रीफ फॉर्मेशन के लिए उसको भी सपोर्ट करते हैं साइंटिस्ट. इन 1904 स्पेशल एक्सपीडिशन वॉज सेंट बाय रॉयल सोसाइटी ऑफ लंडन स्टार्टेड द वर्क ऑफ बोरिंग ऑन फुना फुल्टी एटॉल इन साउथ पैसिफिक नॉर्थ ऑफ फिजा एंड रिजल्ट सपोर्टेड द सब्सिडेंस थ्योरी. 1904 के अंदर एक एक्सपीडिशन जो है भेजा गया रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के द्वारा और वहाँ पर एक जो है बोरिंग का काम किया गया और एटॉल जो साउथ पैसिफिक नॉर्थ फिजा में है और दूसरा है फुना फोल्टी एटॉल और साउथ पैसिफिक नॉर्थ ऑफ फिजा, इनको जब बोरिंग की गई तो पता चला कि ये जो कोरल रीफ हैं ये भी कौन सी थ्योरी को सपोर्ट करते हैं, सब्सिडेंस थ्योरी को. नेक्स्ट है क्रे 1931 मेड 3 borings फ्रॉम द शोर. क्रे साइंटिस्ट था जिसने 1931 के अंदर 3 borings किए समुद्र के किनारे और ये समुद्र का किनारा था जो रीफ फॉर्मेशन का समय का था और रिजल्ट जो पता चला उससे ये थ्योरी कंफर्म होती है कौन सी, डेली ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी को फेवर किया गया. तो ये थ्योरीज है रीफ फॉर्मेशन में. अब देखिए नेक्स्ट है और लास्ट है इसका हेडिंग इम्पोर्टेंस ऑफ कोरल रीफ्स.
इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ कोरल रीफ या इम्पोर्टेंस ऑफ कोरल रीफ। अब कोरल रीफ की जो है इम्पोर्टेंस क्या है। हेल्दी कोरल्स आर द फाउंडेशन ऑफ आवर ओशंस फूड चेन। जो ओशन के अंदर फूड चेन चलती है, इकोसिस्टम, जो पानी के अंदर जो इकोसिस्टम चलता है उसके अंदर ये हेल्दी कोरल्स एक पार्ट है फूड चेन का। फ्रॉम टाइनी प्लैंकटन टू द लार्जेस्ट एनिमल इन द सी। छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सरफेस पर तैरते हैं, उनको प्लैंकटन्स कहते हैं, और प्लैंकटन से लेकर के समुद्र के बड़े बड़े जीव, वो सभी उसके अंदर कोरल्स भी आते हैं और ये फूड चेन में हिस्सा लेते हैं। एंड कोरल रीफ्स आर इम्पॉर्टेंट टू अवर इकोनॉमी टू। और कोरल रीफ्स हमारी इकोनॉमी के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। हेल्दी कोरल रीफ्स कंट्रीब्यूट टू फिशिंग एंड टूरिज्म। हेल्दी कोरल रीफ हमारी फिशिंग के अंदर इम्पॉर्टेंट है और टूरिज्म में भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बड़े बड़े ऐसे पहाड़ की तरह स्ट्रक्चर बनते हैं और कैल्शियम कार्बोनेट के होते हैं, तो टूरिस्ट उनको देखने के लिए जाते हैं। फिशिंग में भी इम्पॉर्टेंट होते हैं, प्रोवाइडिंग मिलियंस ऑफ जॉब्स एंड कंट्रीब्यूटिंग टू इकोनॉमीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। और बहुत सारे लोगों को इससे जॉब मिलता है और वर्ल्ड की इकोनॉमी भी बेटर होती है। साइंटिस्ट डेवलप इम्पॉर्टेंट ड्रग्स फ्रॉम कोरल रीफ ऑर्गेनिजम्स एज ट्रीटमेंट फॉर कैंसर, आर्थराइटिस एंड वायरसेस। बहुत सारे साइंटिस्ट ने मिलकर के बताया था कि कोरल रीफ से बहुत सारी ड्रग्स बनाई जाती है, दवाइयाँ बनाई जाती है, जो कैंसर के ट्रीटमेंट में, आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट में और वायरसेस के ट्रीटमेंट में हेल्पफुल होती है। बट कोरल्स आर थ्रेटन्ड बाय पॉल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज। परंतु कोरल्स को जो है थ्रेटनिंग मिलती है पॉल्यूशन और क्लाइमेट चेंज। जब भी क्लाइमेट चेंज होता है तो कोरल्स जिंदा नहीं रहते हैं। पॉल्यूशन से भी, यदि पानी में बहुत पॉल्यूशन है तो भी कोरल्स जो है जिंदा नहीं रहते हैं। सो वी मस्ट प्रोटेक्ट अवर कोरल रीफ। इसलिए क्या है, पानी पॉल्यूटेड नहीं होना चाहिए, क्लाइमेट का बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होना चाहिए, तभी ये कोरल जो है कोरल जिंदा रहते हैं, कोरल रीफ बनाते हैं। बिकॉज कोरल रीफ्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अर्थ्स फ्रेजाइल इकोसिस्टम। कोरल रीफ बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है इकोसिस्टम का, अर्थ की इकोसिस्टम का। वी ऑल बेनिफिट फ्रॉम ए हेल्दी प्लैनेट एंड हेल्दी कोरल रीफ। इसलिए क्या है, हम सभी को बेनिफिट होता है, हम सभी को फ़ायदा होता है यदि हेल्दी कोरल रीफ या कोरल्स जो है हेल्दी कोरल रीफ बनाते हैं, तो प्लैनेट को भी फ़ायदा होता है। और इसके साथ ही ये मेरी कोरल रीफ की टॉपिक समाप्त होती है। थैंक यू।